बरनाले से आए हैं। पिछले 3-4 महीने से बहन की आंखों की रोशनी बिल्कुल चली गई थी, बिल्कुल। हाँ जी, और जब डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने कहा कि आंख खराब हो गई है, इनको 2 दिन तक तो बिल्कुल भी नहीं, जरा सा भी नहीं दिखता था, इवन कि सूरज की रोशनी भी नहीं दिखती थी। बहन को पकड़ पकड़ के लेके जाते, इसका मतलब अंधी हो गई थी। अंधी हो गई थी तो आप ये क्यों नहीं बोल रही थी, जब बिल्कुल दिखता ही नहीं था, पकड़ पकड़ कर चलाते थे तो क्या बोलेंगे इसको, अंधी, ब्लाइंड बोलेंगे, ब्लाइंड हो गई थी। सही कह रहा हूँ, ब्लाइंड हो गई थी। हाँ जी जी, ये बहुत आप किसी बहन ने जो जसप्रीत कौर बहन है, बरनाला से आई है, पिछले 3-4 महीने से इनको ही रोशनी चली गई थी, बिल्कुल अंधी हो गई थी, इनको दिखाई नहीं देता था, जान कहीं जाते थे बहन को पकड़ के लेके जाया जाता था। एक दिन इनकी जो फ्रेंड है, पिछले 6 महीने से ये इस चर्च में आ रही है, ये जो बहन साथ में खड़ी हुई है, जिसकी आंखें गई थी, वो कौन है? वो ये है। फ्रेंड कौन है? ये ही है जी। इन्होंने विनोद प्रोटिया मिनिस्ट्री के बारे में बताया और बहन को पकड़ कर इस चर्च में लेकर आए। अपोस्तली, आपने इस बहन के सर के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना की, उसी टाइम बहन की आंखें बिल्कुल चंगी होगी, अंधापन खत्म हो गया, पूरी रोशनी आ गई। को पहना हुआ है, इसलिए यीशु ने छू लिया। कौन कब आए थे आप लोग? पहली बार बहन आई थी संडे को। इस संडे ये जो बीत गया, और लैंड के पास्टर ये सी आई थी, 6 फरवरी को सी आई थी, 29 महीने हुए ना, उन्होंने मैं लेके आई थी 29 तारीख। हां जी, वो लिंक भेजना, ठीक है? ओके, सेंड करना, नंबर ले लेना यहां से, ठीक है? भेजना, और सिर पर आपके हाथ रखकर प्रार्थना की, तो उस समय बिल्कुल नहीं दिखता था। तो ये 29 तारीख कौन से महीने की 29 तारीख? 29 मई, मई, जून, जुलाई, अगस्त। प्रेज़ द लॉर्ड, ये बिल्कुल चंगी हो गई। बोलो ऊंचा, बोलो आमीन। बोलो ऊंचा, बोलो कौन चंगा करता है? यीशु। आमीन। बिल्कुल ठीक है जी। बाइबल पढ़ के सुनाएगी, पंजाबी की बाइबल है इनके पास। देखो, अंधी बाइबल पढ़कर सुनाएगी। आमीन। ये अंधी थी, अंधी हो गई थी, लेकिन यीशु ने इसको चंगा किया। दाऊद ने यह उत्तर, पंजाबी है। हाँ, पढ़ पढ़। अगर उम्र हिसाब नाल, हिसाब नाल तरह को पढ़ना आसान बात नहीं,
उसके शब्द बड़े टफ हैं, लेकिन फिर भी इसका मतलब उसको दिख रहा है। सुनो ध्यान से, ये कहते हैं कितनी दूर का आपको दिखाई नहीं देता था, कितनी दूर का आपको दिखाई नहीं देता था? सूरज की रोशनी भी नहीं दिखाई देती थी, यहाँ तो उसने पढ़ दिया। आमीन। मैं दिखाई दे रहा हूँ कैसा हूँ मैं देखने में बेटा? किसी को सुनाई दिया? सच्चा भी मैं स्मार्ट हूँ, मैं पहले स्मार्ट नहीं था, ये था अजीब सा, लेकिन प्रचार कर करके प्रार्थना कर करके सोना हो गया मैं। आमीन। क्योंकि मैंने पसंद कर लिया। प्रेज द लॉर्ड। सुन ये कितने हैं? दो। और दो उंगलियां? एक। एक वो सामने एक लेडी बैठी है, वो देखो कभी कभी बातें बहुत करती है, वो उधर देखो, देखना कौन सी चुन्नी पहनी है, देख रहे हैं? ऑरेंज, ऑरेंज संतरी रंग जी। दिख रही है? कितने बैठी है? पीछे कुर्सी पर बैठी है। हाथ दे, कितने हैं? किसके आगे बैठी है? उनके पीछे कौन है? उनके पीछे एक सरदार जी। सरदार जी है। Praise Lord। सुनिए, ने सूरज की रोशनी दिखाई नहीं देती थी, देखो कहां तक का बता दिया। किस किस को अच्छा लगा ये चमत्कार? आप ध्यान से सुना, आप सही चर्च में बैठे, यहाँ चमत्कार भी होते हैं, भविष्यवाणियां भी होती हैं, प्रीचिंग भी होता है, टीचिंग भी होता है। हालेलुया। तो ऐसे चर्च में जाना चाहिए जहाँ एक ही जगह एक ही वरदान नहीं, सारे वरदान ऑपरेट। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु के नाम की महिमा हो। इधर आओ अपोस्टल जी, एक मिनट प्रार्थना करने से पहले मैं कुछ बताना चाहती हूँ। जैसे कि हमने बाइबल में पढ़ा है, सबने पढ़ा है कि यीशु मसीह के पास एक अंधा व्यक्ति आया था और यीशु मसीह ने उसको छुआ और वो उसको दिखने लग गया। ठीक इसी तरीके से ये बहन अंधी थी, जब खुदा के दास के पास आई और खुदा के दास ने इस बहन को छुआ और जब देखने लगी और देखने के साथ साथ इसने एक खास बात को देखा, इन्होंने देखा जैसे इनकी आंखें खुली और इन्होंने देखा अपोस्टल जी के सर पर कांटों का ताज है और हाथों पर कीलों के निशान दिखाई दिए। प्रेज़ द लॉर्ड। जो खुद यीशु मसीह की पहचान है। अरे बहन, फर्स्ट टाइम आई है चर्च, पहली बार प्रार्थना करवाने के लिए आई, दूसरी बार हम गवाही देने के लिए आई। मैंने आपसे प्रॉमिस किया है, इस दुनिया को छोड़ने से पहले आपको यीशु मसीह पूरा ऊपर बन के दिखाऊंगा। आप इस 2022 के अंत तक आप लोगों को यहाँ लेकर आएंगे, कहेंगे आओ हम तुम्हें यीशु दिखाते हैं। आप लोगों को लेकर आया करेंगे यीशु को दिखाने के लिए, और जो लोग आपके साथ आएंगे वो कहेंगे सचमुच मैंने अपनी आंखों से आज पहली बार यीशु देखा। इतनी अनोखी बात है, ये पहली बार आई लेकिन इसने सर के ऊपर कांटों का ताज भी देख लिया और हाथों में कीले। धन्य है वे लोग जो इस तरीके का देख पाते हैं। आपने देखा? इस बार मैं ये चौथी गवाही सुन रहा हूँ जिन्होंने ऐसा देखा, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, कई लोग बनाकर भी बता देते हैं। जो बनाकर बताते हैं उस चर्च से जुड़े नहीं रहते, वो मेरी आज्ञा के पालन में नहीं रहेंगे, लेकिन जो बनाकर नहीं जो सचमुच बताते हैं वो जुड़े रहेंगे, अरे और खड़े रहेंगे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। दुआ का आशीष से आओ जरा। पिता में यीशु के जीवित नाम, स्वामी मैं आपके सामर्थ को बोलता हूँ और ये हमेशा यूं ही इस चर्च में आती रहे, इसको कभी ये चर्च दूर ना लगने दे और अपनी गवाही देती रहे। बस यीशु के जीवित नाम में मैं देख रहा हूं
पंजाब से तेरे द्वारा बताने के कारण इस चर्च की और एक भीड़ बढ़ रही थी। बहुत से लोग तेरे द्वारा यहाँ पर आए और वे आशीषित होंगे, ऑनलाइन भी आशीषित होंगे। यीशु मसीह के नाम आमेन।